हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टुगर्ट इंटीरियर्स। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं 3-स्टेप वाटर शीट फाउंटेन सिस्टम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने इस फाउंटेन को कैसे सेटअप किया है, हमने इस फाउंटेन को क्यों सेटअप किया है और इस फाउंटेन को टेरेस पे सेटअप करने से टेरेस का लुक कैसे मेकओवर हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस फाउंटेन को हमने टेरेस पे सेटअप किया है ताकि टेरेस का एक अलग से ही एम्बियंस क्रिएट हो। और गाइस, इस फाउंटेन को सेटअप करने से पहले हमने इसमें कंप्लीट सिविल वर्क करवाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 4 इंच की जो वॉल है उसको क्रिएट किया है और इसके अंदर वाटर के कंप्लीट इनलेट और आउटलेट के लिए हमने CPVC की फिटिंग करवाई है। पानी नीचे से ऊपर जाने के लिए हमने इसके अंदर समरसेबल का पंप यूज किया है, जो कि 1 HP पावर का है और जो कि क्रोमटम कंपनी का है। और इसके लिए हमने इसमें आप देख सकते हैं 3 पैनल्स का यूज किया, जिसमें से पानी नीचे फ्लो करेगा और प्रेशर के साथ पानी उसमें से निकलेगा दोस्तों। सो दोस्तों, प्रेशर को लाने के लिए और पानी को फ्लो कराने के लिए हमने इसमें मोटर यानी कि पंप का यूज किया है, जो कि क्रोमटम कंपनी का है। गाइस, वाटर फाउंटेन में वाटर फिल करने के लिए हमने पास ही में एक वाटर टैप का प्रोविजन दिया, जिससे आप पानी को आसानी से इस वाटर फाउंटेन के टैंक में फिल कर सकते हैं दोस्तों। हमने गाइस, आप देख सकते हैं इस फाउंटेन में पीछे की तरफ ग्रे कलर की स्टोन क्लैडिंग कराई है और इसी के बीच में वाटर पैनल्स का सेटअप किया है, जो कि 3 वाटर पैनल्स है, जिसमें से पानी नीचे फ्लो करेगा। इसमें हमने गाइस प्रेशर कंट्रोल करने का फीचर भी दिया है, जिससे आप आसानी से वाटर का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैनल का पानी बंद या चालू कर सकते हैं और साथ ही में इसका प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब इस फाउंटेन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे कि स्टार्ट होने के बाद इस फाउंटेन का एम्बियंस कैसा दिखता है। और गाइस, साथ ही में हमने इसमें लाइट्स का भी प्रोविजन दिया है, जो कि मल्टी कलर लाइट्स है, जो कि आप फाउंटेन को स्टार्ट होने के बाद आपको दिखाई देगा कि उस लाइट्स का भी एम्बियंस कैसा क्रिएट हो रहा है दोस्तों। गाइस, फाउंटेन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो लाइट्स हमने ये यूज करी है वो एक तो मल्टी कलर लाइट्स है और दूसरा ये फोकस लाइट्स भी है, तो इसका सीधा फोकस सामने स्टोन क्लैडिंग पे पड़ेगा दोस्तों। सो गाइस, ये फोकस आपको जब हम फाउंटेन ऑन करेंगे तो आपको सीधा और साफ दिखाई देगा। तो फटाफट से फाउंटेन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इस फाउंटेन को चालू कर दिया। आप देख सकते हैं पानी की आवाज काफी अच्छी आ रही है और ये देख सकते हैं आप, मैं जो प्रेशर की बात कर रहा था वो देखिए, तीनों मोड्स में अलग बिल्कुल सिमिलर प्रेशर आ रहा है और वो चीज़ इससे कंट्रोल हो रही है। ये देख सकते हैं आप, इन वॉल से उस प्रेशर को हम कंट्रोल कर रहे हैं और तीनों जो हमारे पैनल्स है इसमें से सिमिलर टाइप का पानी आ रहा है, हमने कहीं से भी तेज प्रेशर कंप्रेशन नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये इसका पूरा ओवरऑल लुक है, कंप्लीट स्टोन क्लैडिंग हमने पीछे करी है, यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग हुई है और ऊपर जो ये पट्टी यूज़ कर रहे हैं हम, ये ग्रेनाइट की पट्टी हमने यूज़ करी है कंप्लीट, और अंदर हमने टाइल्स करवाई है ताकि पानी का रिसाव नहीं हो और वहीं पर भी अपना डैम्पिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। और जो मैं आपको बता रहा था लाइट्स वाली चीज, ये लाइट्स और इसके अंदर भी दोस्तों बहुत सारे मोड है, आप लाइट को देखिए, ये मोड चेंज हुआ, ये सेकंड मोड हुआ, इसमें ये देखिए थर्ड मोड हुआ, इसमें बहुत सारे मोड है, आप लाइट को चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से पूरा पानी आ रहा है, देखिए पैनल्स में से कंप्लीट यहाँ से पूरा पानी निकल रहा है और ये कंप्लीट स्टोन क्लैडिंग, और इसका लुक बहुत ही एलिगेंट आ रहा है, पानी की आवाज़ उसका लुक बहुत एलिगेंट आ रहा है। और दोस्तों, हम आपको कंट्रोल इसका बताएंगे कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इसको पावर सप्लाई कहाँ से मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका पूरा पावर सप्लाई हमने यहाँ से दिया है, ये लाइट्स का कंट्रोल है और ये मोटर का कंट्रोल है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हमने पूरा एक फेज अलग ही बना दिया है, मतलब ये मकान 3 फेज कनेक्शन पे चल रहा है तो एक सिंगल फेज हमने इस मोटर को दे दिया है ताकि कोई भी लोड, एक्स्ट्रा लोड मकान पे ना पड़े, मकान के बिजली कनेक्शन पे ना पड़े, इसका अलग एक फेज चल रहा है, वहाँ से ये कंट्रोल है पूरा कंप्लीट और ये पूरा फाउंटेन का ओवरऑल सेटअप है। सो गाइस, आई होप आपको ये फाउंटेन पसंद आया होगा। अब इसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है वो हम आपको बताएंगे। सो गाइस, टोटल कॉस्ट इस फाउंटेन को क्रिएट करने में 80-85,000 आई है, जिसमें हमने कंप्लीट सिविल वर्क किया है, CPVC की फिटिंग की है, मोटर लगाई है, लाइट्स इसमें इंक्लूड की है, स्टोन क्लैडिंग की है, वाटर फाउंटेन की एसेसरी जैसे कि पैनल्स है स्टार्टर्स में इंक्लूड की है, साथ ही में मोटर एंड लाइट्स का स्टार्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, ग्रेनाइट और टाइल्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेटर एंड एलिगेंट ऑप्शन है आपके घर या टेरेस को एक एलिगेंट लुक देने के लिए, साथ ही में घर के कोई भी एरिया को एक एलिगेंट लुक देने के लिए। एंड गाइस, हमने इसे घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इंस्टॉल किया है, जो कि वास्तु के हिसाब से सबसे बेस्ट डायरेक्शन माना गया है रनिंग वाटर बॉडी के लिए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस फाउंटेन को अगर आप अपने घर या ऑफिस में इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन फ्यूचर भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।